अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जूम पे? जी सर, शेयर हो रहा है। और साफ दिखाई, आवाज साफ आ रही है? जी सर। चलिए लेट्स टेक अ स्टार्ट। कार्डियक साइकिल हमारा जो आज का टॉपिक है, कार्डियक साइकिल, उसे हम देखते हैं। पहले कार्डियक साइकिल को हम अपनी बुक से देख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल्स में देखेंगे, सॉरी डिटेल में अपनी बुक से देख लेते हैं। डिटेल में देखने के बाद फिर हम कल इंशाल्लाह ताला इसको सेकंड लेक्चर देंगे, जिसमें हम इसको फर्स्ट एड की बुक से रिव्यू कर लेंगे, और वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज किस टाइप आती है आपके एग्जाम में। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट के कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के बारे में पता तो हल्का फुल्का तो सबने सुना हुआ होगा, लेट्स इसको डिटेल में देखते हैं। द कार्डिक इवेंट्स, कार्डिक साइकिल होता क्या है? द कार्डिक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, एक बार हार्ट ने बीट दी और फिर दूसरी जो बीट स्टार्ट हुई, मतलब एक जो हार्ट एक बार जो बीट देता है, एक बार जो हार्ट बीट देता है उस दौरान उसमें कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं, वो सारे इवेंट्स क्या कहलाते हैं आपको? कार्डिक साइकिल कहलाते हैं। तो अभी ये डेफिनेशन शायद आपको समझ ना आए, तो इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं, तो देन यू विल गेट द पॉइंट। वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन सिस्टली, यानी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, एंड वन डेस्टली, यानी रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो एक जो कार्डिक साइकिल होता है दो चीज पर मुश्तमिल होता है, एक सिस्टली पर यानी एक सिस्टोल पर, और एक डायस्टोल पर, यानी एक बार हार्ट जो आपका रिलैक्स करेगा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो मुकम्मल क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल बोलते होते हैं। इसके इवेंट्स होते हैं, तो इसको मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ डिटेल में, फिर हम इसकी रीडिंग कर लेंगे। तो ये आपका हार्ट, ठीक है? तो सबसे पहला जो इवेंट होता है आपके हार्ट का, वो होता है एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। सबसे पहले क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। के देखिए, हम जो कुछ भी अभी देखेंगे, पहले हम ऐसा करते हैं कि हार्ट के लेफ्ट चैम्बर को पढ़ लेते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे जो कार्डिक साइकिल हो रहा है, तो जो लेफ्ट साइड पे हो रहा होता है बेसिकली वही क्या हो रहा होता है? राइट साइड पे हो रहा होता है। पहले लेफ्ट साइड पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत चेंजमेंट्स के साथ मैं आपको बता दूंगा कि राइट साइड पे भी यही सेम हो रहा होता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, सबसे पहली चीज कि आपका जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो लेफ्ट एट्रिया है, ये वाला, ये आपका लेफ्ट एट्रिया क्या करेगा, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन है ना, पहले लेफ्ट साइड देखते हैं फिर हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। आपका लेफ्ट एट्रिया क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका ये जो मिट्रल वाल्व होता है, जो मैंने बताया था ना आपके, कौन सा वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, कौन सा वाल्व होता है? मिट्रल वाल्व होता है, बाइकस्पिड होता है। तो आपका मिट्रल वाल्व क्या हो जाता है? ओपन। सबसे पहली चीज कि जैसे ही आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, इधर से एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही आपका लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका मिट्रल वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन। क्यों? क्योंकि आपका जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा ना, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, तो ये आपका मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि आपका राइट लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका जो मिट्रल वाल्व है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो आपके वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। अब जो ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में पड़ा था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिट्रल वाल्व ओपन होगा, तो जो ये वाला ब्लड था वो सारा कहाँ आएगा? वेंट्रिकल्स में आएगा। ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल्स में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ जिसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे आप, लेकिन बिलीव मी बिलीव करें, ठीक है? तो ये तकरीबन आपका जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल तकरीबन 80% ब्लड से ऑलरेडी फिल होते हैं। ऑलरेडी क्या होते हैं? फिल होते हैं। ये अभी मुझे बिलीव कर लें कि फिल होते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये कैसे फिल होते हैं। जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मिट्रल वाल्व ओपन होता है और ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो 80% तो ऑलरेडी फिल है, बाकी जो 20% रहता है उससे क्या हो जाती है? आपकी वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाती है। तो आपका जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, ये कितने परसेंट फिलिंग करता है आपके वेंट्रिकल की? 20%। हालांकि हमने तो यही पढ़ा हुआ है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब ब्लड आता है आपके वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल फिल होते हैं, ऐसे ना? लेकिन 80% वेंट्रिकल ऑलरेडी फिल होता है, जो 20% रहता है उसको कौन फिल करता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिट्रल वाल्व ओपन होता है और ये ब्लड नीचे आता है,
अब आपका जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो क्या हो जाता है 100% चला जाता है। समझ आ गई ये चीज। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अब क्योंकि जब आपके एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आपका लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी प्रेशर वेव हम देखते जाएंगे साथ साथ कि प्रेशर वेव क्या होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी प्रेशर वेव के ऊपर एक ये वेव प्रोड्यूस होती है, ए वेव। क्या प्रोड्यूस होती है? ए वेव। दिस इज नॉट ईसीजी, मैं ईसीजी नहीं बना रहा, ये मैं मैकेनिकल इमेज बना रहा हूँ कि आपके दिल के जो चैम्बर्स होते हैं उनमें प्रेशर कैसे बढ़ता है वो कैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी वेव देता है? ये ए वेव। क्योंकि प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कौन सी वेव देगा, ए वेव देगा। समझ आ गई ये चीज। चलें जी, अब जब आपका ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल में जो प्रेशर था वो जीरो था। वेंट्रिकल का प्रेशर क्या था, जीरो, ठीक है। इधर प्रेशर, ये इसने कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं किया, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से पहले आपके जो वेंट्रिकल्स थे इनमें प्रेशर क्या था, जीरो था। लेकिन जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में। जब ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल में प्रेशर क्या हो जाएगा, शुरू इंक्रीज, है ना। तो ब्लड प्रेशर क्या शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों, ये वाल्व ओपन हो चुका है ना, ये वाल्व क्या हो गया है, ओपन। जब ये वाल्व ओपन होगा अब दोनों चैम्बर क्या हो चुके हैं, एक जैसे। अब ये सेपरेट चैम्बर रह गए, हम कह सकते हैं ये अलग चैम्बर है, ये अलग चैम्बर है, नहीं। अब दरवाजा तो खुल गया है तो दोनों चैम्बर एक जैसा काम करते हैं, क्योंकि एक ही चैम्बर के काम पर वर्क करते हैं। तो जो प्रेशर इसमें होता है वही प्रेशर इधर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इधर प्रेशर पहले क्या था, जीरो, तो अब इधर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ये चीज। उसके बाद अब पता क्या है, हमने करना क्या है, हमने, हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं ना, हम जो भी इवेंट देखेंगे तो हमने तीन चीजें देखेंगे। एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको कार्डियक साइकिल में तीन चीजें पता होनी चाहिए कि जब एक, जैसे अभी हमारे पास, हमने क्या पढ़ रहे हैं, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। तो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान आपको पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए कि एट्रिया में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है और आपके इवल्टा में क्या हो रहा है, तीनों में आपको पता होना चाहिए। तो हमने अभी देखा कि आपके एट्रिया में क्या हो रहा है, कि आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रिया देखा हमने पहली चीज ये, और मेट्रल वाल्व क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। और हमने कहा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये कौन सी वेव देते हैं, ए वेव। ये हमने पढ़ा एट्रिया के बारे में, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन का फेज होता है इस फेज में ये चीजें होती है। अब सेम वेंट्रिकल में क्या हो रहा होता है, कि वेंट्रिकल की क्या हो रही होती है, 20% फिलिंग हो रही होती है। पहली चीज ये देखिए, 20% फिलिंग हो रही होती है, 80% पहले ऑलरेडी फिल होता है। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, कि पहले इसका प्रेशर जीरो होता है, फिर इसका प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमने वैसे बेसिकली कितनी चीजें देख ली, पांच चीजें। पहला ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा मैटर वाल्व ओपन होगा, तीसरा ए वेव देगा, चौथा 80% 20% फिलिंग होगी, पांचवा इसका प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई यहां तक। अब हम देखते हैं कि हमारे जो, अब हमारा जो ये है योल्टेक वाल्व, अब योल्टा में क्या हो रहा होता है, अब देखिए जो योल्टा में प्रेशर होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट, जो योल्टा में प्रेशर होता है वो कितना होता है, नहीं उसका प्रेशर नहीं होता, वो मैं आपको समझाऊंगा कि उसका प्रेशर क्यों नहीं होता, वो आगे आगे जाकर हम देखते हैं। वेंट्रिकल लेफ्ट लेफ्ट फेज में नहीं, वो मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। अब यहाँ पर आपका कितना है, तकरीबन ऑलमोस्ट 80 है, योल्टा में प्रेशर कितना है, योल्टी, और 80। और इधर प्रेशर कितना है आपके वेंट्रिकल्स में, ऑफ कोर्स वेंट्रिकल में पहले प्रेशर जीरो था, अब प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, बट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, एक दो हुआ। तो यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ब्लड इधर मूव करना चाहेगा ना, तो इसीलिए आपका जो एओर्टिक वाल्व होता है ये क्या होता है, क्लोज होता है। एओर्टिक वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। समझ आ गई ये चीजें, रिपीट कर दो। चले अब मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन का जो सारा फेज था वो रिपीट कर रहा हूँ। अब एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन में हमने क्या देखना है, तीनों में देखना है कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, आपके एट्रिया
कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दूसरी चीज, आपका माइटर वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जब माइटर वाल्व ओपन होगा तो आपके वेंट्रिकल्स की कितने परसेंट फिलिंग होगी? 80% ऑलरेडी फिलिंग है। ये चीज समझ आ गई है। अगली चीज, आपके जो ये जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ, कौन सी वेव आएगी? ए वेव आएगी। यहाँ तक समझ आ गया। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि यहाँ पर प्रेशर पहले क्या था वेंट्रिकल में? जीरो। अब क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और ये आपका इओल्टिक वाल्व क्या है? क्लोज है। इओल्टिक वाल्व भी क्लोज है और आपका मेटल वाल्व क्या है? ओपन है। इओल्टिक वाल्व क्लोज क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर क्या है? कम है। ब्लड वापस आना चाहेगा तो इसलिए वाल्व क्लोज है, ताकि ब्लड वापस ना। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गई? ठीक है कि तीनों इवेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो रहे होते हैं। जूम पे समझ आ गई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक, या किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? है, आई होप समझ तो आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फेज हमारे पास होता है एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अब यहाँ पर हमारा पिछले में हमने देखा हमारा वेंट्रिकल 100% फेल हो गया था, 100%। अब हमने इसकी क्या करनी है? कॉन्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन कौन सी कॉन्ट्रैक्शन होगी? एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब आपका जो वेंट्रिकल है इट विल स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो एट्रिया का ब्लड था वो कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, और जो जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं वो होती है आपकी एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब साइज प्लस वॉल्यूम, साइज प्लस वॉल्यूम, ये क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एज ए क्लोज्ड चैम्बर करेंगे, एज ए क्लोज्ड चैम्बर। नहीं समझे ये चीज? आपके जो ये आप वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इसकी होगी, लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। मतलब इसका साइज भी सेम रहेगा और इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम। ना ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ना ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। यानी कि ये एज ए क्लोज्ड चैम्बर, क्लोज्ड चैम्बर मतलब इसमें आपका माइट्रल वाल्व भी क्लोज हो जाएगा और आपका इओल्टिक वाल्व भी क्लोज हो जाएगा। आपके दोनों वाल्व क्या रहेंगे? क्लोज। तो ये क्लोज्ड चैम्बर हो गया ना, ये क्या हो गया? क्लोज्ड चैम्बर। तो ना इसके अंदर कोई चीज आ रही है, ना यहाँ इसके अंदर से ब्लड बाहर जा रहा है। तो मतलब साइज और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे? सेम रहेंगे। साइज और वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो इसलिए इसको बोलते हैं एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मतलब साइज और वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, और ये एज ए क्लोज्ड चैम्बर वर्क करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है, ये एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। एसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गई है? अब एक अच्छे तालिबे इल्म को, एक अच्छे स्टूडेंट को अगर अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो क्यों, मैं क्यों ना देखूं पीछे? क्या हो गई है? चले नहीं लेते टेंशन, चले इधर आए। एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को तीनों तीनों पता होना चाहिए। डॉक्टर जुबैर प्लीज फोकस, कि एट्रिया में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, और इओल्टा में क्या हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन किसकी हो रही है? वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने देखा कि आपके वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की, लेकिन एज ए क्लोज चैम्बर। क्यों? क्योंकि इसका ये वाल्व भी क्लोज है और ये वाल्व भी क्लोज है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि जब आपका ये प्रेशर पहले क्या था? जीरो था वेंट्रिकल का प्रेशर। अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दी। जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो इसका प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब इसका प्रेशर 5 से बढ़ेगा, कितने से? 5 से बढ़ेगा। किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। जब इसका प्रेशर 5 से बढ़ेगा तो आपका इधर जो प्रेशर होता है एट्रिया में वो ऑलमोस्ट 5 होता है। कितना होता है? ऑलमोस्ट 5। तो उसके प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? अब वेंट्रिकल का प्रेशर इस प्रेशर से क्या है? एट्रिया के प्रेशर से क्या हो गया? ज्यादा।
तो ब्लड वापस जाना चाहेगा, ब्लड वापस मूव करना चाहेगा। जब ब्लड वापस मूव करना चाहेगा तो आपका ये जो माइट्रल वाल्व है ये क्या हो जाएगा, जल्दी से क्लोज हो जाएगा। माइट्रल वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज। तो आपका माइट्रल वाल्व इस तरह क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। और जब आपका माइट्रल वाल्व क्लोज होता है, ये जब माइट्रल वाल्व क्लोज होता है तब आपको S1 साउंड सुनाई देती है आपके हार्ट को। कौन सा साउंड, S1, यानी कि हम इसे लब कहते हैं। आपको लब की साउंड सुनाई देगी जब आपका यहाँ पे माइट्रल वाल्व क्लोज होगा। लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल्व क्लोज होगा, सेम इवेंट। राइट साइड पे कौन सा वाल्व क्लोज हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, ठीक है। इधर से माइट्रल वाल्व क्लोज होगा, इधर से ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा, तो आपको साउंड आती है S1। अभी बस इतना देख लें कि S1 साउंड आएगी, इसको डिटेल्स में हम जो है ना वो देखेंगे हार्ट साउंड्स में, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एज ए क्लोज चैम्बर, क्यों, क्योंकि आपका एओर्टिक वाल्व, आपका एओर्टिक वाल्व ऑलरेडी क्लोज्ड है, माइट्रल वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज। क्योंकि जब इधर प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वापस जाना चाहेगा, तो आपका वाल्व क्या हो जाएगा, माइट्रल वाल्व क्लोज, एंड इट विल प्रोड्यूस द साउंड S1। समझ आ गई है। अब इधर प्रेशर मजीद बढ़ता जाएगा, ऑलमोस्ट कहां पहुंच जाएगा, 80 तक, क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन उनकी करते जा रहे हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन जारी है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका प्रेशर ऑलमोस्ट 80 तक बढ़ जाएगा। और आपके एओर्टा का प्रेशर कितना होता है, 80, प्रेशर दोनों क्या है, सेम। अभी तक इसका प्रेशर 80 से ऊपर नहीं बढ़ा, तो अभी भी आपका वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो आपका एओर्टिक वाल्व भी क्लोज है, माइट्रल वाल्व भी क्लोज है, तो आपकी जो कॉन्ट्रेक्शन हो रही है वो कौन सी कॉन्ट्रेक्शन होगी, एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, यानी एज ए क्लोज्ड चैम्बर। ना तो ब्लड यहां से अंदर आ रहा है, ना ही ब्लड यहां से बाहर जा रहा है, तो कॉन्ट्रेक्शन तो हो रही है लेकिन एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन है, कि उसका साइज और वॉल्यूम क्या है, स्टिल सेम है आपका, वो हम अगले फेज में देखते हैं। ये फिर 80 से आगे जब बब होती है वो इंजेक्शन फेज फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फेज था, एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन फेज था। मैंने कोई चीज छोड़ दी है, हैं? Yes, मैंने एक चीज छोड़ दी है। मैंने क्या चीज छोड़ दी है? मैंने कहा एक, अगर आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आपको तीनों जगहों में पता होना चाहिए कि तीनों चीजों में क्या हो रहा है। हमने एओर्टा में देख लिया, वेंट्रिकल में देख लिया, एट्रिया में कौन देखेगा, किस वक्त एट्रिया में क्या हो रहा है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब एट्रिया में क्या होता है कि जब आपका ये वाल्व क्लोज होता है, पहले हमने कौन सी चीज देखी थी, अभी कौन सी चीज देखी है, कि ये जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ए वेव आती है, कौन सी वेव आती है, ए वेव आती है। अब जब आपका ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाल्व जल्दी से ऊपर की तरफ बंद होता है, ऐसे, ये जो है ना ये आपके नीचे की तरफ आ रही है, ये जब बंद होती है ये ऐसे बंद होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ घट जाएगा। और ये क्विकली क्या होंगी, बस जब ये बंद होगी तो ये ऊपर की तरफ जो बल्ज बना है ये वाल्व का, ये इधर हल्का सा प्रेशर इंक्रीज करेगा आपके एट्रिया में, हल्का सा प्रेशर, नहीं समझ आए, कि जब ये ऊपर की तरफ ऐसे बल्ज करेगा तो आपके एट्रिया में हल्का सा प्रेशर इंक्रीज होगा और हमें एक और वेव आएगी जिसे हम कहते हैं सी वेव। क्या वेव कहते हैं, सी वेव। चले मैं इसको रिपीट कर देता हूं, कि जब जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने कहा कि आपका, हमने कहा कि आपका माइट्रल वाल्व क्या होता है, क्लोज। जब माइट्रल वाल्व क्लोज होता है ये ऊपर की तरफ बल्ज देता है, ये ऐसे ऐसे होता है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ बल्ज, जब ये ऊपर की तरफ बल्ज देता है तो आपके एट्रिया में वॉल्यूम प्रेशर बढ़ता है, बल्ज की वजह से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, तो ये एक और वेव देता है जिसे हम क्या कहते हैं, सी वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हो रहा होता है, आपके एट्रिया में। और एट्रिया में एक और चीज हो रही होती है, क्योंकि अब आपका ये वाल्व क्या है, क्लोज है, वाल्व क्या है, क्लोज है, तो अब आपका एट्रिया एज ए रिजर्वायर टैंक काम कर रहा होता है, एज ए रिजर्वायर टैंक काम कर रहा होता है। क्या मतलब रिजर्वायर टैंक, मतलब जो आपके लंग्स हैं, लंग्स हैं, वहां से आपकी किस किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए आपके राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा होगा सीधा, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा होगा, वेनस रिटर्न आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एज ए रिजर्वायर टैंक काम करेगा, ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आ रहा होगा, तो आपका लेफ्ट एट्रियम एज ए रिजर्वायर टैंक काम कर रहा होगा। तो समझ आ गया, एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्यों, क्योंकि एज ए क्लोज्ड चैम्बर है, क्लोज्ड चैम्बर का मतलब है आपका मतलब कि मेटल वाल्व भी क्लोज है, एओर्टिक वाल्व भी क्लोज है, तो इसका वॉल्यूम और साइज दोनों सेम रहेंगे, ना ब्लड आ रहा है ना ही ब्लड जा रहा है, बस इधर प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, प्रेशर जीरो था फिर 5 होगा फिर 80 होगा,
ठीक है। अब हम जब प्रेशर एपी के ऊपर बढ़ेगा फिर हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन समझ आ गई है एनीवन? जूम पे या फिजिकली किसी को समझ ना आया हो? किसी का कोई क्वेश्चन हो इस वाले से? एमएमएफएचजी प्रेशर का यूनिट, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है? रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब इसमें क्या होता है? अब हमने क्या कहा कि वेंट्रिकल का प्रेशर हमने अभी पीछे देखा कि बढ़ रहा था लेकिन 80 तक बढ़ा। जब इन वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से अबव जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन इनकी स्टार्ट है, ये कंटिन्यू है, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू है। जब प्रेशर 80 से 81 पर और 120 पर जाएगा, कहां जाएगा? 81 और 120 पे जाएगा, तब क्या होगा? यानी इधर प्रेशर आपका हो गया 81 या 120 हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। उल्टा का प्रेशर कितना होता है? 80। तो अब प्रेशर कहां ज्यादा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आपका जो एओर्टिक वाल्व होता है ये ओपन हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब भी ब्लड ये इजेक्ट करेगा, और जब ब्लड इजेक्ट होगा तो आपका जो एओर्टिक वाल्व है ये क्या हो जाएगा? ओपन। मेरी स्पीड तेज तो नहीं हो गई? मुझे बता दिया करें अगर मेरी स्पीड तेज हो जूम पे, तो किसी बच्चे को भी फील हो मुझे बता दिया करें मेरी स्पीड अगर तेज हो। तो आपका एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन, क्योंकि यहाँ प्रेशर हो गया है ज्यादा, यहाँ प्रेशर है कम। जब एओर्टिक वाल्व ओपन होगा तो अगली चीज क्या है? आपका ब्लड रैपिडली वेरी क्विकली इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा? एओर्टा में, और एओर्टा से आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? ये चीज समझ आई है कि प्रेशर इधर इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू है। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी तो प्रेशर 81, 120, जब प्रेशर 80 से बढ़ेगा तो आपका ये वाल्व एओर्टिक वाल्व हो जाएगा ओपन और क्विकली इजेक्शन होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? ये तो हमने देखा कि आपके वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि आपके एओर्टा में क्या हो रहा है ना। अब जब इधर प्रेशर 120 तक जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा और ये वाल्व ओपन हो जाएगा, तो क्या अब एओर्टा और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एक ही चैम्बर बन गया है कि दो चैम्बर है? एक ही चैम्बर बन गया, क्योंकि इनके दरमियान वाला जो दरवाजा था वो क्या हो गया? ओपन। अब जो प्रेशर इधर बढ़ेगा वही प्रेशर इधर भी बढ़ता जाएगा, तो अब एओर्टा का प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, 120 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एज ए सेम चैम्बर काम कर रहे हैं। क्या दोनों क्या है? सेम चैम्बर है, सेपरेट चैम्बर ये काम नहीं कर रहे। तो ये समझ आ गया। अब तीसरी चीज क्या रह गई? एट्रियम में उस वक्त क्या हो रहा होगा? स्टिल आपका जो एट्रिया है, मेटल वाल्व क्या है? क्लोज है। मेटल वाल्व क्या है? क्लोज है। स्टिल आपका एट्रिया एज ए रिजर्वायर काम कर रहा है, एज ए रिजर्वायर टैंक, रिजर्वायर टैंक मतलब लंग्स से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के लिए, ये लेस कर रहा है आपका एट्रिया, उससे ब्लड जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। दैट्स द पॉइंट। समझ आ गई है आपको रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज? किसी को समझ ना आई हो या रिपीट करना हो तो रिपीट करूं एक बार? अरे चले मैं एक रिपीट कर रिपीट कर देता हूँ कि जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन थी इनकी, पहले एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी, अभी इनकी कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू स्टार्ट है, तो आपका प्रेशर 80 से 81 पे जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। इधर प्रेशर 80 है, जब प्रेशर 80 से बढ़ेगा 120 तक जाएगा तो आपका एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा और जल्दी से ब्लड की क्या होगी? इजेक्शन होगी, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि आपका ये अब सेम चैम्बर काम कर रहा है, ये और ये एज ए सेम चैम्बर, तो जितना प्रेशर इतना बढ़ता जाएगा मतलब उतना प्रेशर आपके एओर्टा में भी बढ़ता जाएगा। और तीसरी चीज कि आपका एट्रिया जो है स्टिल एज ए रिजर्वायर टैंक काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका मेट्रल वाल्व क्या है? क्लोज है और ये रिलैक्स कर रहा है और आपका ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के लिए जमा हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई है। नेक्स्ट फेज देखें, ये था रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब हम देखते हैं आपका स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज कि स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज क्या होता है। अब क्या है हमारा स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, वो हम देखते हैं। अब स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में सबसे पहली चीज कि आपका एट्रिया, एट्रिया से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक, बल्कि इसको यहां से देख लेते हैं कि प्रेशर आपके वेंट्रिकल में, क्योंकि अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना ऐसा ऐसा कम हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है ऐसा ऐसा कम हो रही है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
कॉन्ट्रेक्शन क्या हो रही है, ऐसा ऐसा कम हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन एंड हो रही है, इसकी कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन एंड स्टेज पे पहुंच चुकी है। जब इसकी कॉन्ट्रेक्शन एंड स्टेज पे पहुंचेगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम। तो जो ब्लड यहाँ से इजेक्ट होगा, अब वो फास्टली इजेक्ट होगा, स्लोली इजेक्ट होगा, स्लोली। तो इसलिए से बोलते हैं स्लो इजेक्शन फेज, इसलिए से क्या बोलते हैं, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, क्योंकि अब आपका वेंट्रिकल जो है ना उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, और ये स्लोली स्लोली क्या करेगा, इजेक्ट करेगा बाहर। तो इसे बोलते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द एट्रिया, ठीक है, अब सेम सेम जितना प्रेशर इधर होगा उतना भी कहां पे होगा, यूल्टम में, क्योंकि स्टिल ये वाल्व क्या है, ओपन है, और दोनों में सेम चीजें हो रही है, ठीक है, सेम चैम्बर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है और एओर्टा में क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि आपके एट्रिया में क्या हो रहा है। स्टिल आपका मिटर वाल्व क्या है, क्लोज है, हमने कहा कि यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, लेकिन अभी प्रेशर इतना कम नहीं हुआ कि इसके प्रेशर से कम हो जाए, अभी प्रेशर इसका कम हुआ है लेकिन इसके प्रेशर से फिर भी ज्यादा है, एट्रिया के प्रेशर से फिर भी ज्यादा है, तो आपका मिटर वाल्व क्या रहेगा, क्लोज, और आपका एट्रिया स्टिल वर्किंग एज अ रिजर्वायर है, कि लंग से प्रमोशन वेन के लिए ब्लड से क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। मेडी गेट द पॉइंट, बैक टू जुबैर, समझ आ गई है। तो ये आपकी होती है क्या होती है, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, समझ आ गई है, नहीं समझ आई। अगला होता है हमारे पास एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, नंबर 5 पे क्या होता है, एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वाल्व, एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब आपका वेंट्रिकल क्या करेगा, पहले ऊपर ऊपर से व्यू समझ लो, वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स, लेकिन एज ए क्लोज्ड चैम्बर, एज ए क्लोज्ड चैम्बर, मतलब ना तो इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा और ना ही कम होगा, और ना ही इसके साइज में, इसका साइज और वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये एज ए मतलब के क्लोज, एज ए क्लोज चैम्बर इसकी क्या होगी, एज ए क्लोज चैम्बर इसकी क्या होगी, फिलिंग होगी, ठीक है, एज ए क्लोज चैम्बर इसकी फिलिंग। अब ये एसोवॉल्यूमेट्रिक इसकी कॉन्ट्रेक्शन से डिफरेंट कैसे है, एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में कॉन्ट्रेक्शन हो रही थी और यहां पर क्या हो रही है, रिलैक्सेशन। अब बेसिकली होती कैसे, इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये क्या करता है, रिलैक्स, एरो बाहर की तरफ, मतलब ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। जब ये रिलैक्स करता है तो आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, आपका प्रेशर यहाँ से क्या होता है, यहाँ प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जब यहाँ प्रेशर 80 से नीचे आएगा, कहाँ आएगा, 80 से नीचे है, इधर प्रेशर डिक्रीज होता है, इधर प्रेशर कितना होता है, 80। देखें आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का जब प्रेशर 120 था तो इधर प्रेशर कितना था, 120, इधर कम होगा 110, इधर भी कितना होगा, 110, क्यों, क्योंकि अभी ये वाल्व क्या है, ओपन है, तो ये सेम चैम्बर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इधर प्रेशर हो गया 80, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 80। अब 80 के बाद क्या होगा, जब इधर प्रेशर होगा 79, तो आपका ये ब्लड वापस आना चाहेगा ना, तो आपका ये योल्टेक वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज, योल्टेक वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज। अब जब योल्टेक वाल्व क्लोज हो जाएगा, दोनों चैम्बर अब अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों सेपरेट चैम्बर हो गए, तो आपके अब योल्टा का प्रेशर 80 रह जाएगा, इससे मजीद कम नहीं होगा, मजीद कम क्योंकि ये अलग सेपरेट चैम्बर बन गया, उसका अपना प्रेशर रहेगा क्योंकि वो स्क्वीज कर रहा है, योल्टा क्या करता रहता है, स्क्वीज, और ब्लड को आगे भेजता रहता है आपके सिस्टम में, सर्कुलेशन में। अब इधर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, जब 79 पे पहुंचेगा, अब आपका मिटर वाल्व क्या हो गया, क्लोज, सॉरी, योल्टेक वाल्व क्या हो गया आपका, क्लोज। तो इस तरह आपका योल्टेक वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से आपका अब इधर से योल्टेक वाल्व क्लोज हो गया, और इसका कहां तक आ गया आपका, योल्टेक का प्रेशर कितना हो गया, 80, और इधर प्रेशर कम हो गया, योल्टेक वाल्व क्या हो गया, क्लोज। इधर से मिटरल वाल्व स्टिल क्या है, क्लोज, मिटरल वाल्व क्लोज है, मिटरल वाल्व क्या है, क्लोज है, क्यों, क्योंकि आपका प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, मानता हूं 79 हो गया है, लेकिन स्टिल इसका प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, तो आपका मिटरल वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। सो मिटरल वाल्व भी क्लोज है, योल्टेक वाल्व भी क्लोज है, सो क्या बन गया, क्लोज चैम्बर, क्या बन गया, क्लोज चैम्बर, लेकिन कर क्या रहा है, रिलैक्स कर क्या रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो क्या इसमें ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड इसमें आ रहा है, नहीं, ये वाल्व तो क्लोज है, यहां से ब्लड वापस जा रहा है, नहीं, क्यों, क्यों, ये क्या है, क्लोज,
तो इसे बोलते हैं एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, कि रिलैक्स तो कर रहा है बट स्टिल वॉल्यूम एंड साइज इज सेम बिकॉज इट्स वर्किंग एज ए क्लोज्ड चैम्बर. आपका मेट्रल वाल्व भी क्लोज है, इओर्टिक वाल्व भी क्या है क्लोज. समझ आ गई ये चीज? समझ आ गई है? नहीं समझ आया आपको ये एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन? समझ आ गया? रिपीट तो नहीं करना है इसको, रिपीट करना है जूम पे किसी को समझ आए, रिपीट करवाना हो ये है, रिपीट कर दूं? चले आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा जो फेज होता है वो कौन सा होता है? ये कौन सा था? एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. नेक्स्ट हमारा होता है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग. नंबर सिक्स होगा अब रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग. रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहली चीज, जब आपका वेंट्रिकल, हमने स्ट्रोक वाले में पढ़ा था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या सारा ब्लड बाहर चला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम में? नो, सारा तो बाहर नहीं जाता. जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है उसका जो हिस्सा बाहर जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो हिस्सा बाहर वापस रह जाता है दैट इज कॉल्ड योर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. एंड कि आपके सिस्टोलिक के एंड पर, आपके कॉन्ट्रैक्शन के एंड पर जो ब्लड वापस आएगा दैट इज कॉल्ड योर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. अब आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इसमें पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ब्लड पड़ा हुआ है, ये पहली चीज है. और दूसरी चीज आप इसमें क्या देखें कि प्रेशर इन वेंट्रिकल्स बिकम्स लेस देन द प्रेशर इन द एट्रियम. इधर प्रेशर क्योंकि आपके अब ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. पहले हमने देखा इसका प्रेशर 120 था, फिर प्रेशर कहां पे आया 100 पे आया, फिर प्रेशर 80-79 पे आया, ये वाल्व क्या हो गया क्लोज. ठीक है, अब इसका प्रेशर 5 से नीचे गया, 5 से नीचे. जब इसका प्रेशर 5 से नीचे जाएगा अब इधर का प्रेशर कम हो जाएगा, इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, एट्रिया का प्रेशर ज्यादा वेंट्रिकल का प्रेशर कम, तो आपका जो मिट्रल वाल्व होता है ये क्या हो जाएगा ओपन. मिट्रल वाल्व क्या हो जाएगा ओपन. जैसे ही आपका मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो आपका इधर जितना भी ब्लड, देखिए हमने कहा था कि आपका एट्रिया एज ए रिजर्वायर टैंक काम कर रहा है, उसमें ब्लड की फिलिंग हो रही थी, जैसे ही वाल्व ओपन होगा आपका सारा ब्लड नीचे मूव करेगा. ठीक है, मिट्रल वाल्व क्या हो गया ओपन हो गया, मिट्रल वाल्व क्या हो गया ओपन हो गया है, तो ये आपके क्या करेगा, फिलिंग करेगा आपके किसकी, वेंट्रिकल की. कीप इन माइंड एट्रिया इज नॉट स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग, स्टिल एट्रिया एक्टिंग, स्टिल एट्रिया इज रिलैक्सिंग. अभी आपका जो एट्रिया ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें ब्लड ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा था, इधर प्रेशर कम था, तो आपका मिट्रल वाल्व क्या हो गया ओपन. जैसा ही मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो इसमें जितना भी ब्लड पड़ा होगा वो क्या आएगा नीचे, ऑटोमेटिक खुद ब खुद, दैट इज कॉल्ड योर पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, नॉट एक्टिव, कोई एनर्जी इसमें यूज नहीं हो रही, इट इज पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, कि खुद ब खुद वाल्व ओपन हुआ और खुद ब खुद ब्लड कहां चला गया, नीचे चला गया. तो वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, रैपिड वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, और क्या हो रही है, पैसिव हो रही है. डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक समझ आ गई है कि आपका ये वाल्व ओपन होगा, जब ये वाल्व ओपन होगा तो जल्दी से आपका जो फिलिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी. तो ये आपकी होती है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग. और आपका इओर्टिक वाल्व स्टिल क्या होगा, ये क्लोज रहेगा. क्यों? तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है और वेंट्रिकल में प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया, तो आपका इओर्टिक वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा. समझ आ गई है चीज, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग समझ आ गई है? जूम पे किसी को समझ ना आई हो या किसी ने रिपीट कराना हो इसको तो बता दे मुझे, रिपीट एक बार रिपीट कर दे. चलो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ. हमने क्या कहा, हमने कहा कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, जब रिलैक्स करेंगे पहले प्रेशर 120 था, फिर 100 आएगा, फिर 79, जब 79 आएगा तो आपका इओर्टिक वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज, और इओर्टा में प्रेशर कितना रह जाएगा 80. अब इधर प्रेशर जब 5 से नीचे जाएगा, अब वेंट्रिकल में प्रेशर कम एट्रिया के प्रेशर से, तो आपका मिट्रल वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन. तो मिट्रल वाल्व जितना भी ब्लड था वो खुद ब खुद पैसिव फिलिंग के जरिए नीचे आना शुरू होगा, इसमें किसी किस्म की कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी एट्रिया में, और ब्लड खुद ब खुद नीचे आएगा, इसकी क्या होगी, वेंट्रिकल फिलिंग होगी लेकिन पैसिव फिलिंग. डिड यू गेट द पॉइंट? आगे मूव करें. नेक्स्ट आपका जो फेज होता है वो कौन सा होता है? 6 पढ़ लिए. नंबर 7 रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गया. अब हमारे पास स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग,
स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा अब देखें, ब्लड में पहले पहले क्या था यहाँ पर, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, फिर क्या आया, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग का ब्लड आया, ठीक है। अभी तक एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब आपकी है कि आपकी कौन सी है, अब है आपकी स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर। अब आपका एओर्टिक वाल्व क्या है, क्लोज है। स्टिल ये क्या है, सॉरी ये तो पल्मोनरी वाल्व है। एओर्टिक वाल्व क्या है, क्लोज। एओर्टिक वाल्व क्यों क्लोज है, क्योंकि इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा। एओर्टिक वाल्व क्या रहेगा आपका, क्लोज। और मिटर वाल्व क्या है, ओपन। मिटर वाल्व क्या है, ओपन। क्यों क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर क्या है, कम है। तो मिटर वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और अगली चीज क्या हो रही होगी कि आपका जो, अब देखें यहाँ से वेनस रिटर्न तो आ रहा है ना, पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स से ब्लड आ रहा है। जो लंग्स से इसमें ब्लड आ रहा है, क्या अब एट्रिया में इकट्ठा होगा या फिर सीधा ही इस वाल्व के जरिए नीचे चला जाएगा, सीधा नीचे चला जाएगा। क्योंकि अब आपका एट्रिया एज ए चैम्बर काम नहीं कर रहा, नो इट्स वर्किंग, नो इट इज नॉट वर्किंग एज ए रिजर्वायर टैंक। अब ये एज ए रिजर्वायर टैंक काम नहीं कर रहा, इट इज रिलैक्सिंग, ये रिलैक्स कर रहा है, बट इट इज नॉट वर्किंग एज ए रिजर्वायर टैंक, इट इज वर्किंग एज ए कंडक्टिव पाइप। जैसे एक पाइप है कि उसके अंदर से कोई चीज गुजर के सीधी इधर आ रही है, तो जो भी वेनस रिटर्न आ रहा है वो सीधा कहाँ आ रहा है, आपके वेंट्रिकल्स में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद करेगा, ठीक है। अभी अभी हम कॉन्ट्रैक्शन इसकी देखते हैं, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। अभी आता रहेगा, अभी ब्लड आता रहेगा, और ब्लड इतना आएगा कि इस वक्त मतलब आपके जो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, इस वक्त आपके स्लो, जब आपका देखें पहले आपका क्या था, एंड सिस्टोलिक वाल्यूम कुछ रह गया था, फिर कुछ भरा रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के जरिए, अब कुछ भरेगा स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के जरिए, तो आपका ये 80% वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई। मैंने कहा था मेरे में बिलीव रखें, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि 80% फिलिंग हो जाती है। तो 80% फिलिंग हो गई है, स्टिल 20% रहती है, बट स्टिल हमारे एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। डू यू गेट द पॉइंट, अब ये चीज समझ आ गई है। क्या हुआ कि आपका एओर्टिक वाल्व क्लोज रहेगा, मिटरल वाल्व ओपन रहेगा, जो भी इधर वेनस ब्लड आ रहा होगा आपकी पल्मोनरी वेन से, वो सीधा कहां आता रहेगा, आपके वेंट्रिकल्स में। तो अब आपका ये कितने परसेंट फिलिंग हो चुकी होगी, आपकी 80% फिलिंग हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट फेज क्या है, हमारा पहला फेज क्या था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब पहले फेज की तरफ जाए, पहला फेज क्या होगा, आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व तो ओपन है स्टिल, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी ब्लड बाकी इसमें रह चुका होगा वो सारा एक्टिव फिलिंग के जरिए इसमें आ जाएगा। 80% ऑलरेडी फिल था, 20% हो जाएगा फिलिंग। अब आपका ये क्या हो चुका है, मुकम्मल तौर पर फिल वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा लेकिन दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, ठीक है। फिर रैपिड इजेक्शन फेज आएगा कि ये वाल्व ओपन होगा, फिर स्लो इजेक्शन फेज आएगा, फिर एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आएगी, फिर से रिलैक्स करेगा लेकिन दोनों वाल्व क्या होंगे, क्लोज हो गए। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, एक रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, फिर स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, फिर क्या आएगा आपका, फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर आपका यह हार्ट बीट चलती रहती है। ये कैसे होता रहता है, ये वही होता रहता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि आपके दोनों इधर से राइट से इधर से लेफ्ट से ब्लड आपके कहाँ आता रहेगा, वेंट्रिकल्स, और फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाता रहेगा, और फिर उधर से लंग्स के जरिए इनमें वापस आता रहेगा। तो ये इस तरह आपका हार्ट बीट देता है, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लॉक करता है। Did you get the point? समझ आ गया कि आपका कैसे कानों में, दिल के चैम्बर्स में, हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड आता है और कैसे वहां से जाता है, समझ आ गया। अब ये इवेंट्स हमने कहां देखे हैं सारे, लेफ्ट साइड पे, मूव्स वर द राइट साइड। अब सेम फंक्शन कहां हो रहे होते हैं, राइट साइड पे, लेकिन थोड़ी सी चेंजमेंट्स होती हैं। वो क्या चेंजमेंट्स होती हैं कि आपके जो राइट साइड में जो प्रेशर होता है उसका फर्क होता है। देखें आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर वेरीज करता है 110 टू 130 सॉरी 10 टू 30 10 टू 30 या इसको हम कहते होते हैं 0 टू 130 भी कहते होते हैं, 0 टू 130 0 टू 120 भी कहते होते हैं। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर वेरीज करता है इतना, लेकिन आपके राइट वेंट्रिकल में प्रेशर वेरीज करता है 5 टू 25 या 0 टू 25 इधर प्रेशर कितना होता है आपके, हमने कहा था ना कि कीप इन माइंड, मैंने कहा था
मैंने शुरू में जब पढ़ाया था मैंने कहा था जस्ट बिलीव मी दैट कि आपके जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है उसका प्रेशर क्या होता है ज्यादा और राइट साइड का प्रेशर क्या होता है कम। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था मैं आगे जाके समझाऊंगा। तो ये देखे कि देखिए आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर होता है वेरीज करता है 0 to 130 या 10 to 130 और जो राइट वेंट्रिकल होता है उसका प्रेशर वेरी करता है 0 to 25 या फिर 5 to 25। वो हम देख लेते ना कि पहले उसका प्रेशर 0 है फिर 5 हुआ फिर 80 हुआ फिर 120 हुआ। अभी देखा ना हमने थोड़ी देर पहले, तो ये वही चीज बता रहा है कि वेरीज करता है पहले 10 होता है या 0 होता है फिर उससे बढ़ना आगे स्टार्ट हो जाता है। तो जो राइट वेंट्रिकल होता है वो होता है 5 to 25। तो देखें राइट का कम है लेफ्ट का क्या है ज्यादा है। और इसी तरह ये आपके राइट एट्रियम का कितना है ये वेरी करता है 0 to 5 और आपका ये वेरी करता है 10 to 25 या फिर हम कहते हैं 0 to 25। ठीक है समझ, सॉरी सॉरी ये आपका किसका है राइट एट्रियम का और ये लेफ्ट एट्रियम का है 12। ठीक है 0 to 12 वेरी करता है और आपके जो योल्टा का है वो वेरी करता है 90 to 120 या 80 to 130 और आपके जो पल्मोनरी आर्टरी का होता है ये वेरी करता है 0 to 25 या फिर 5 to 25 या फिर 10 to 20 यानी 25 से नीचे ही होगा उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये डिफरेंस होते हैं, बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं सेम होते हैं। सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस होता है कि लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है और राइट साइड पे प्रेशर क्या होता है कम होता है। समझ आ गई है? अब इसकी रीडिंग कर लो जल्दी जल्दी से। डॉक्टर तैयब खुश नहीं भी रहता है रीडिंग के बाद भी रहता है। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक है तो एट्रियल प्रेशर इंक्रीजेस एंड प्रोड्यूस ए वेव दैट इज कॉल्ड प्रेशर वेव। समझ आ गई ये चीज? उसके बाद मिट्रल वाल्व ओपन्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स फेल्स बट ओनली 20% बिकॉज 80% इज ऑलरेडी फेल्ड पैसिवली। समझ आ रही चीज? जहां पे समझ गया मुझे रोक लेना आप लोग। जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 0। कॉन्ट्रेक्शन से पहले लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है 0 बट mild increase in the pressure of ventricle after atrial contraction because atrial pressure shifts to the ventricle due to opening of mitral valve khulte hai dono ac chamber kaam karte hain to jo pressure atrium mein padega wahi pressure ventricle mein padega। aortic valve remains closed because aortic pressure is greater than the left ventricle pressure। samajh aa gayi thi? next dekhe aise jugal nahi dalna jahan samajh gaya mujhe rok theek hai ye baar baar nahi padhna humne। isovolumetric contraction left ventricle starts contracting and pressure in the left ventricle becomes slightly above the pressure in the left atrium and blood tries to move backward towards the back wapas jane chahte hai blood backwards so mitral valve gets closed taki blood wapas na ja paye along the tricuspid valve tricuspid valve bhi close ho jayega udhar se and produce a sound as well left ventricle pressure is still less than aortic pressure so aortic valve remains आपकी पी वेव होती है फिर जर्क से सी वेव आती है फिर एक और वेव आती है जिसे हम वी वेव कहते हैं। ये वेव आती है जब आपके एट्रिया को एज ए रिजर्वायर टैंक काम कर रहे होते हैं उसमें ब्लड भर रहा होता है। ठीक है नेक्स्ट है हमारा रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस अप टू 81 एंड 120 देन एओर्टिक वाल्व ओपन्स ठीक है बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन द एओर्टिक प्रेशर ब्लड इजेक्ट्स रैपिडली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा प्रेशर इन एओर्टा आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज एओर्टिक वाल्व इज ओपन and left ventricular and aorta acts as same chamber so aortic pressure becomes equal to the ventricular pressure 120 jitna left ventricle mein padega utna aorta mein padega kyunki same chamber kaam kar rahe hote hain atrium still acting as reservoir tank because mitral valve is still closed slow ventricular ejection phase ventricular pressure starts in decreasing so ejection becomes slow and pressure in aorta also decreases atrium still acting as reservoir tank because mitral valve remains closed isovolumetric relaxation left ventricle relax and pressure becomes less than 80 so closure of aortic valve and produce s2 sound theek hai ye maine nahi bataya pehle jab aapka pressure 80 se kam hoga ventricle mein aur aorta mein 80 hoga to aapka aortic valve kya hoga jaldi se close aur s2 sound dega udhar se pulmonary valve close hoga along with pulmonary valve ye right side aortic pressure also decreases but until 80
and then remains constant because aortic valve become closed and ventricle and aorta acting as separate channel. समझ आ रही है चीज? Number 6, बल्कि 5 है. Ventricle act as closed chamber, volume remains same because even though the ventricle pressure is falling down but still higher than atrial pressure, so the mitral valve remains also closed. Atria still acting as a reservoir tank and giving the BVF देता रहेगा वो. Rapid passive ventricular filling, pressure in the ventricle become less than atrial pressure, so mitral valve opens. Passive ventricular filling because without atrial contraction, atrial contract नहीं कर रहे, खुद बखुद आ रहा है, तो passive है. Aortic valve remains closed. Aortic valve remains closed and mitral valve remains open. ठीक है. Atria acts as a passage pipe. ठीक है, conductive pipe because blood from pulmonary vein enters to the ventricles without atrial contraction. 80% ventricular passive without atrial contraction हो चुकी है. तो ये थे. Note all the events that which occur on the left side of the heart with slightly different pressure occur at the right side of the heart also. Right side pressure is less than left side pressure. ये वही pressure लिखे हुए हैं, कहां से कहां तक vary करते हैं. ठीक है. अब ये phase है, ये phase कितने कितने होते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे. देखें, हमने ऊपर जितना भी पढ़ा, अभी मैं आपको शक्ल दोबारा सारी बनाकर दिखा तो नहीं सकता. हमने देखा कि एट्रिया ने सिर्फ पहले वाले फेज में कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाकी सारे फेज में वो क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था. तो एट्रिया का जो सिस्टली होगा, एट्रिया का सिस्टली यानी एट्रियल सिस्टोल, वो होता है 0.1 सेकंड. कितना होता है? 0. आपके हार्ट की एक बीट कितनी होती है? 0.8 सेकंड की होती है. कितने की होती है? 0.8 सेकंड. तो आपका जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो सिर्फ एक फेज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मतलब इसका होगा 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एट्रिया जो डायलेट करेगा, डायस्टोली होगा, वो 0.7 सेकंड. मतलब बाकी सारा टाइम वो क्या कर रहा था? रिलैक्स कर रहा था. समझ आ गई चीज? अब जो वेंट्रिकल की सिस्टली थी, वेंट्रिकल की सिस्टली कितनी थी? वो 0.3 सेकंड की थी. 0.3 सेकंड. और वेंट्रिकल डायस्टोली कितनी होती है? 0.5 सेकंड होती है. देखें, डायस्टोल दोनों में ज्यादा होगा. याद करने का तरीका कैसे है? सिंपल सा याद करने का तरीका है कि डायस्टोल दोनों में ज्यादा. आपको पता है एट्रिया सिर्फ एक में कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी सब में क्या करता है? रिलैक्स. तो उसका कॉन्ट्रैक्शन कितनी होगी? 0.1 सेकंड, क्योंकि एक में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 0.1 सेकंड. तो बाकी पीछे कितनी रहती है? 0. तो उसकी डायस्टोली होगी. अब हमने कहा डायस्टोली दोनों में ज्यादा होती है. अब इतना तो आपको याद रह जाएगा कि वेंट्रिकल सिस्टली और डायस्टोली में 0.3 और 0.5 है. ठीक है. अब मैंने कहा डायस्टोली ज्यादा होती है, दोनों में ज्यादा होती है, तो 0.5 क्या होगी? डायस्टोली. 0.5 वेंट्रिकुलर डायस्टोली और 0.3 क्या होगी? वेंट्रिकुलर सिस्टली. तो ये देखें, वो दिखा रहा है कि देखें ये रेड वाला, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है? एट्रियल सिस्टली 0.1 सेकंड है. अगर यहां पे इसको 0.0 काउंट करें तो यहां यहां तक 0.1 सेकंड, और फिर यहां से ये सारा ब्लू वाला, ये सारा यहां से लेकर यहां तक एट्रियल डायस्टोली है. ये कितना होगा? यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.7 सेकंड होगा. अब अगर हम बात करें, कोई और कलर कर लेते हैं, अब अगर हम डायस्टोल की बात करते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आपका वेंट्रिकुलर सिस्टली है, आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना है? 1, 2, 3, तो 0.3 सेकंड है इसके. अब ये यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहा है? ये रिलैक्स कर रहा है. कौन? आपका वेंट्रिकल. तो 1, 2, 3, 4, 5 0.5 सेकंड इसकी क्या है? समझ आ गई है? अब हार्ट साउंड देख लेते हैं. ठीक है, ऊपर से डिटेल में हम आगे देखेंगे. हार्ट साउंड्स, S1 साउंड, कोलाइयर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोड्यूसेस S1. जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली. ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं. अब हेल्दी एओर्टिक वाल्व ड्यूरिंग ओपनिंग, जब ये ओपन होगा तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगा? आपका एओर्टिक वाल्व कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा? देखिए, मैंने कहा माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वाल्व दोनों क्या होंगे? क्लोज. जब क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड देंगे? S1 साउंड, दैट इज योर लब. ठीक है, समथिंग लाइक दैट, लब. अब मैं कह रहा हूं कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओर्टिक वाल्व ओपन होता है ना, ताकि ब्लड बाहर जाए इजेक्शन फेज के दौरान. जब एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, देन एओर्टिक वाल्व विल व्हिच प्रोड्यूस व्हिच काइंड ऑफ साउंड? नो साउंड. इन अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी इंसान में जब कोई भी वाल्व ओपन होगा, इट प्रोड्यूसेस नो साउंड. हेल्दी पर्सन में कोई भी वाल्व ओपन होगा, वो किसी किस्म की कोई साउंड नहीं देगा. सो ओपनिंग के दौरान कोई भी वाल्व कोई साउंड नहीं देगा, जस्ट क्लोजर के दौरान वो साउंड देगा, दैट इज योर S1
साउंड, एस टू साउंड। कोलाइजर आप इओल्टिक, ये कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर दिखाई दे रहा है। कोलाइजर ऑफ इओल्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं उनमें प्रेशर कम होता है तो आपका इओल्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज। जब वो क्लोज होते हैं फिर आपकी कौन सी साउंड आती है, एस टू साउंड, आर डब लब, डब लब आ गई एस वन पे, डब आ गई एस टू पे। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली, जब सिस्टली खत्म हो जाती है और रिलैक्स करना स्टार्ट करता है तब आपके पल्मोनरी वाल्व और इओल्टिक वाल्व दोनों क्या हो रहे थे, क्लोज। जब वो क्लोज होते हैं तो कौन सी साउंड आती है, एस टू। ओके, एस थ्री साउंड। Sometimes at last stage of rapid, हमने कहा था ना कि एक कौन सा फेज हो रहा था, कि ये आपका एट्रिया था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था और ये इओल्टा था, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ से वाल्व ओपन हो जाएगा, कब, जब यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रैपिड पैसिव फीलिंग हो रही थी ना, रैपिड पैसिव फीलिंग, कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, खुद ब खुद ब्लड रैपिड पैसिव फीलिंग के जरिए नीचे आ रहा था। अगर एक पर्सन टू मच हेल्दी है, मतलब हेल्दी पर्सन है और वो एक्सरसाइज के बाद है, यंग है, एडल्ट है, तो उस वक्त ये जो रैपिड फीलिंग होती है ना, ये ब्लड जिस तेजी से आता है और इसको आके फिल करता है, देन इट प्रोड्यूसेस द एस थ्री साउंड। हमें इंटरमीडिएट तक सिर्फ दो साउंड पढ़ा जाती है, लब एंड डब, एस वन एस टू, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द एस थ्री। और ये हर किसी में नहीं होती, सिर्फ हेल्दी पर्सन में जो आफ्टर एक्सरसाइज आती है और यंग पर्सन में आती है, ठीक है, यंग में। ये चीज समझ आ गई कि एस थ्री कब आती है, जब ये रैपिड फीलिंग हो रही होती है, रैपिड पैसिव फीलिंग, तो ब्लड तेजी के साथ नीचे आता है, जब ये फिल करता है ना इसको, तो उसके एंड पे एक साउंड देता है, दैट इज एस थ्री साउंड। डिड यू गेट द पॉइंट, वो हम उसको डिटेल में हम देखेंगे, अभी मुझे डिटेल में नोट होता है, एक टॉपिक से हम घूम जाएंगे। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है कार्डियक साइकिल के बाद हार्ट साउंड का, उसमें डिटेल में हम उसको देखेंगे, ठीक है। एस फोर साउंड, ये पैथोलॉजिकल साउंड होती है, एस फोर इज नॉट अ नॉर्मल साउंड, इट्स अ पैथोलॉजिकल साउंड, कीप इन माइंड। Sometimes, अच्छा इसमें पता क्या होता है, इसमें यह है कि बाज दफा आपका जो वेंट्रिकल है ये क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, स्टिफन हो जाता है, ये बहुत सख्त हो जाता है। अब इसमें ब्लड भेजने के लिए आपके एट्रिया को सख्ती से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बड़े जोर लगा के इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब ये जोर लगा के कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये जो ब्लड नीचे भेजता है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन एक साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट इज योर एस फोर साउंड, एस फोर साउंड। और S4 साउंड कब पैदा होती है, पैथोलॉजिकल है, देखिए आपका वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तब आपकी कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, S4। डॉक्टर यहां समझ आ गई ये चीज। समटाइम्स इफ देयर इज अ स्टिफेंड वेंट्रिकल, हार्डेंड और हाइपरट्रॉफाइड वेंट्रिकल, देन फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मे प्रोड्यूस अ साउंड ड्यू टू इट्स फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट अ स्टिफेंड वेंट्रिकल, यूजुअली इट्स अ पैथोलॉजिकल। जुगलर वेनस पल्स, जेवीपी का सुना होगा आपने, जुगलर वेनस पल्स प्लस जुगलर वेनस प्रेशर, इसको दोनों बोलते होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम स्केच करता हूँ, ये आपका एट्रिया, ये आपका वेंट्रिकल, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लेट्स सपोज दैट एओर्टा हो गया। अब आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी, इट्स अ राइट एट्रियम, कौन सा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट लिख ले यार, राइट वेंट्रिकल, और ये आपका पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अब इसमें जो ब्लड ऊपर से डालता है वो कौन डालता है, सुपीरियर वेना कैवा। अब सुपीरियर वेना कैवा में ऊपर से क्या होती है आपकी, जुगुलर वेन, क्या होती है आपकी, डिटेल में इसकी नाक में नहीं पढ़ा रहा, बस इतना देख लें, जुगलर वेन होती है और ये आपकी सुपीरियर वेना कैवा। ओके, समझ आ गई ये चीज एनाटॉमी स्केल की सी, हार्ट की एनाटॉमी की समझ आ गई, स्पीड स्लो रखें, चलें जी, स्पीड तेज हो रही है तो स्पीड जरा स्लो करते हैं। नहीं, ये मैंने एनाटॉमी उसकी बताई है, ठीक है, एनाटॉमी समझ आ गई उसकी, तो ये तो आपको पता होता ना, मैं इसलिए जरा स्पीड तेज रखी थी। चलें वापस आ जाए, अब मुझे बताएं, जब इधर कोई वाल्व है सुपीरियर वेना कैवा और आपकी राइट एट्रियम के दरमियान कोई वाल्व है, नहीं, मतलब ये दोनों एज ए सेम चैम्बर काम करेंगे, ये जुगुलर वेन सुपीरियर वेना कैवा और राइट एट्रियम एज ए सेम चैम्बर काम करेंगे, नो, द फर्स्ट थिंग, जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन द प्रेशर इन एट्रिया
इंक्रीजेस, तो यहां से ऊपर से ब्लड तो आ रहा होगा ना भाई, ये ब्लड तो यहां से ऐसे आ रहा होगा ना सारा, ये सारा ब्लड है ना इसमें ऐसे। अब एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट देन, एक मिनट, व्हेन एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट देन प्रेशर इन द योल्टा विल, इन द एट्रिया विल, जब एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज होगा तो यही प्रेशर कहां इंक्रीज होगा, सुपीरियर वेना कैवा में। जब सुपीरियर वेना कैवा में यही प्रेशर इंक्रीज होगा तो यही प्रेशर कहां इंक्रीज होगा, जुगलर वेन में। जब जुगलर वेन में प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कुछ नीचे आएगा और कुछ ब्लड ऊपर की तरफ जर्क देगा। तो अब ये ब्लड पहले कहां पे था आपका, यहां तक है, अब ये जरा ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं ऊपर की तरफ जर्क देगा, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जरा नीचे भी जाएगा, मेटल ब्लड ओपन होगा और ये जरा ऊपर की तरफ भी मूव करेगा। नो प्रेशर, अब प्रेशर कहां बढ़ा, एट्रिया में प्रेशर कहां बढ़ा, सुपीरियर वेना कैवा में प्रेशर कहां बढ़ा, जुगलर वेन में प्रेशर कहां बढ़ा, जुगलर वेन में। तो क्योंकि ये सेम चैंबर काम कर रहा है, बीच में कोई वॉल्व नहीं है, तो जब आपकी जुगलर वेन में प्रेशर बढ़ता है तो जुगलर वेनर प्रेशर वेव में सबसे पहली वेव जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, इट विल गिव द पी वेव, सॉरी ए वेव, इट विल गिव द ए वेव। सो इट इज जुगलर वेनस पल्स या जुगलर वेनस प्रेशर की पहली वेव कौन सी होती है आपकी, ए वेव होती है। अब जब ये यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा तो फिर ये यहां तक फूल गया तो फिर ये दोबारा वापस नीचे आएगा, है ना। जब ये ब्लड यहां से नीचे मूव करेगा तो ये कहां पे आ जाएगा आपका, यहां तक आ जाएगा, ये आपकी कौन सी हो गई, ए वेव। समझ आ गई, देखिए प्रेशर कहां बढ़ रहा है, जुगलर वेन में, तो इट इज जुगलर वेनस प्रेशर। ओके, सेकंड थिंग, जब अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, नो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, अब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल्स की। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन योर मिट्रल वाल्व विल क्लोज बट विल गिव अ लिटिल जर्क अपवर्ड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपका मिट्रल वाल्व जब ऊपर की तरफ क्लोज होगा, ऊपर की तरफ, तो ये जो इधर ब्लड थोड़ा सा पड़ा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। जब सॉरी हम राइट साइड पढ़ रहे हैं तो इट विल बी ट्राइकस्पिड वाल्व, इट विल बी ट्राइकस्पिड वाल्व। सो ट्राइकस्पिड वाल्व विल गिव द लिटिल बिट जर्क, देन प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर इन द राइट एट्रियम इंक्रीज, प्रेशर इन द सुपीरियर वेना कैवा इंक्रीज, प्रेशर इन द जुगुलर वेन विल इंक्रीज, ब्लड विल मूव अगेन लिटिल बिट अप एंड इट विल गिव द एनदर वेव, दैट इज योर सी वेव, दैट इज योर सी वेव। डिड यू गेट द पॉइंट, डिड यू गेट द पॉइंट, इट विल गिव द सी वेव। नाउ आफ्टर सी वेव व्हाट विल हैपन, नाउ आफ्टर सी वेव यू नो दैट नाउ एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड हमने कहा कि अब बाकी जितने भी फेज है सब फेज में आपका एट्रिया एज ए रिजर्वायर टैंक काम करेगा। इट मीन दैट इट विल बी रिलैक्स, ये अब इसमें ब्लड सारा खत्म हो गया, ब्लड क्या हो गया खत्म, नो इट विल रिलैक्स। जब ये रिलैक्स करेगा तो इधर जितना भी आपका पड़ा हुआ था, आपका ब्लड पड़ा हुआ था यहां पर, ये अब यहां ऊपर की तरफ जा चुका था, अब यहां से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड कहां आ रहा है, तो ऊपर ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या आएगा, नीचे की तरफ। सो ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज इन जुगलर वेन, ये चीज समझ आ रही है कि क्योंकि ब्लड तो अब जल्दी से इधर आ रहा है, इधर प्रेशर कम हुआ, इधर प्रेशर कम हुआ, इधर प्रेशर भी क्या हो गया कम। सो इट विल गिव द एक्स डिसेंट, इट विल गिव द एक्स डिसेंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्स डिसेंट, मतलब आपका प्रेशर क्या हो रहा है, लेस हो रहा। समझ आ गई ये चीज, एक्स डिसेंट समझ आ गया कि प्रेशर कम क्यों हुआ। अब इसमें प्रेशर, अब ये रिलैक्स कर रहा है आपका एट्रिया, इसमें ब्लड भर रहा है, भर रहा है, एक हद होगी कि इसमें ब्लड पूरा हो जाएगा, ये मुकम्मल भर जाएगा। जब ये मुकम्मल भर जाएगा तो क्या इसमें मजीद ब्लड आएगा, तो भाई एक कमरा है, ये कमरा है, इसमें हमने कहा बंदे घुसाते जाओ घुसाते जाओ, अब इसमें बंदे मतलब के 10 आ सकते थे, 10 बंदे आ गए तो 11वां बंदा कहां ठहरेगा, यहां पर, 12वां यहां पर, 13वां यहां पर, यानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब ब्लड पूरा भर चुका है, मजीद ब्लड इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ऐसा ऐसा आपकी जो ये एक्सीडेंट वेव थी, ये एक और वेव देना स्टार्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड योर वी वेव, दिस इज कॉल्ड योर वी वेव। समझ आ गई डॉक्टर तरीन, और जूम पे समझ आई हो, वी वेव समझ आ गई है। नो नो व्हाट विल हैपन, नो योर रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, योर मिट्रल वाल्व विल ओपन। जब माइट्रल वाल्व, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व, इट्स अ
इट्स अ राइट साइड, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इट्स अ राइट साइड। सो ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा सारा ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स में आएगा मतलब ये वाले बंदे हमने दूसरे दरवाजे से निकाल दिए, तो ये वाले बंदे अंदर आना शुरू हो जाएंगे, जो यहाँ पे ठहरा था अब वो यहाँ नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो ये वाला ब्लड अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, है ना? पहले यहाँ पे था, अब ये वाला ब्लड यहाँ पे, अब प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाएगा आपके जुगुलर वेन में, एंड इट विल गिव द अनदर वेव दैट इज कॉल्ड योर वाई डिसेंट, दैट इज कॉल्ड योर वाई डिसेंट, दिस इज योर जुगुलर वेनस पल्स, दिस इज योर जुगुलर वेनस प्रेशर। डिड यू गेट द पॉइंट? वाइडिसन ये है, हमने कहा कि जब ये रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, तो यहां से सारा ब्लड कहां आएगा? वेंट्रिकल्स में, तो यहां ब्लड कम पड़ जाएगा, तो इधर वाला ब्लड जल्दी से मूव करके किस तरफ आएगा? आपके एट्रिया की तरफ, तो ऊपर वाला ब्लड जरा नीचे आ जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम जुगुलर वेन में, तो इट विल गिव द एंड डिसेंट, दैट इज वाई डिसेंट। समझ आ गया? जुगुलर रिवाइज करा दें दोबारा अब्दुल रहमान। चलें जी, मैं इसको एक बार फिर एक क्विक रिव्यू देता हूँ, ठीक है? एक मैं इसका क्विक रिव्यू देता हूँ। क्विक रिव्यू क्या है? हमने कहा कि ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये आपका सुपीरियर वेना कैवा, और ये आपका जुगुलर वेन हो गए, ठीक है? समझ आ गई। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले जब आपके एट्रिया क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज होता है। अब एट्रिया और सुपीरियर वेना कैवा के दरमियान में कोई वाल्व है? नहीं। तो एक्टिंग एज ए सेम चैम्बर, तो जो प्रेशर इधर पड़ेगा वही प्रेशर इधर पड़ेगा। अब इधर प्रेशर बढ़ा, इधर प्रेशर बढ़ा, इधर भी प्रेशर बढ़ा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट वेव आएगी, दैट इज कॉल्ड योर एबीडी। डू गेट द पॉइंट? एंड सेकंड थिंग कि जब आपका ये अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब क्या करेंगे? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने कहा लिटिल बिट जर्क देता है। जब ये जर्क देगा थोड़ा सा प्रेशर राइट एट्रियम में बढ़ेगा, वही प्रेशर कहां बढ़ेगा? सुपीरियर वेना कैवा, वही प्रेशर जुगुलर, क्योंकि क्योंकि एक्टिंग एज ए सेम चैम्बर, नो वाल्व बिटवीन देम, एक्टिंग एज ए सेम चैम्बर, इट विल गिव द एंड वेव, दैट इज योर सी वेव, दैट इज योर सी वेव। नेक्स्ट थिंग नाउ यू आर एट्रिया एक्टिंग एज ए रिजर्वायर टाइम, ये रिलैक्स करेगा। जब ये रिलैक्स करेगा तो सारा ब्लड इसमें आएगा, तो जो ब्लड ऊपर, जो ब्लड का लेवल यहां तक था, वो ब्लड नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो लेवल ब्लड का जुगुलर वेन में क्या हो जाएगा? कम, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम, इट विल गिव द एफसी डिसेंट, विल गिव द एफसी डिसेंट। नो, मैंने कहा कि एक हद तक इसमें ब्लड भरेगा, जब ये पूरा भर जाएगा तो मजीद ब्लड ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फिर ब्लड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, सो इट विल गिव द वी वेव ऊपर की तरफ, इट विल गिव द वी वेव। फिर आपकी क्या होगी? रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। जब ये वाल्व ओपन होगा तो ब्लड सारा जल्दी से नीचे, तो ये लेवल फिर नीचे, ये लेवल फिर नीचे, दैट विल गिव द वाई डिसेंट। डिड यू गेट द पॉइंट? आई होप सो दैट यू हैव गॉट द पॉइंट। अगर किसी को समझ ना आया तो मुझे बता दे, मैं उसको रिपीट करा देता हूँ या किसी और तरीके से समझा देता हूँ आपको। समझ आ गई है? अल्लाह के बंदे रेस्पॉन्स तो क्या करो है, मेरे गले में दर्द हो जाता है समझा समझा के, और आप रेस्पॉन्स ही नहीं करते। अभी हमने जितना पढ़ा है इसको हम ग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है? जितना भी पढ़ा है, इट विल बी टू, इट इज टू मच इजी। हमने क्या देखना है? सबसे पहले तीन चीजें देखनी है, व्हाट हैपनिंग इन द एओर्टिक प्रेशर, सॉरी व्हाट हैपनिंग इन द एओर्टिक प्रेशर, व्हाट हैपनिंग इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर, व्हाट हैपनिंग इन द एट्रियल प्रेशर। तीनों में देखेंगे कि वेंट्रिकल के प्रेशर में क्या हो रहा है, एट्रियल के प्रेशर में क्या हो रहा है, और आपके एओर्टा के प्रेशर में क्या हो रहा है। ये देखें, ये ग्रीन वाली जो है, ये ग्रीन वाली आपको दिखाएगी एट्रियल प्रेशर एंड जुगुलर वेनस पल्स एज वेल, क्योंकि वो सेम होता है एज अ सेम एक्टिंग चैम्बर। और ये वाली वेव जो है ना, ये आपको वेंट्रिकुलर प्रेशर दिखाएगी, और ये ऊपर वाली, ये वाली वेव आपको क्या दिखाएगी? एज ए वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है? अब सबसे पहले जब आपका एट्रिया करता है कॉन्ट्रैक्ट, सो इट विल गिव द ए वेव, इट विल गिव द ए वेव, सो एट्रियल प्रेशर देगा, सॉरी ये है एट्रियल प्रेशर विल गिव द ए वेव। और जब ए वेव देगा, क्योंकि आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मेटर वाल्व क्या होता है? ओपन। सो एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ एक्टिंग एज ए सेम चैम्बर, सो जो प्रेशर आपके एट्रिया में होगा वही वो कहां पे होगा? तो जितना प्रेशर उसमें बढ़ेगा, तो ये देखें जितना प्रेशर आपके एट्रिकल का बढ़ रहा है उतना ही वेंट्रिकल का, ये देखें दोनों वेव ऊपर की तरफ जाए उतना ही जुगुलर वेन में, क्योंकि जुगुलर वेनस पल्स और एट्रियल प्रेशर में सेम कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज समझ आ गई है। अब ऊपर देखें उसका प्रेशर कितना होता है? 80,
तो वो 80 रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना। अब क्या होता है, अब आपके वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर ली, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और कहाँ तक जाता है, 80 तक। जब 80 से ऊपर जाएगा, हेयर योर एओर्टिक वाल्व विल ओपन। जब एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, तो मैंने कहा जब एओर्टिक वाल्व ओपन होता है, अब आपका वेंट्रिकल और एओर्टा दोनों एक्टिंग एज ए सेम चैम्बर, सो प्रेशर विल इंक्रीज इन बोथ, सेम इक्वल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपका एओर्टिक प्रेशर भी ऊपर जा रहा है और आपका वेंट्रिकल प्रेशर भी ऊपर जा रहा है। समझ आ रही है चीज, समझ आ रही है, एओर्टिक प्रेशर समझ आ गया, वेंट्रिकल प्रेशर समझ आ गया। अब नीचे देखते हैं, मेरे को फिर तेज तो नहीं है, तेज है, समझ आ गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि सेम आपके जुगलर वेनस पल्स में और एट्रिया में क्या हो रहा होता है। मैंने कहा था जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, देन योर मिट्रल वाल्व गेट्स क्लोज, जब मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, देन इट्स गिव अ लिटिल बिट जर्क दैट प्रोड्यूसेस अ, दिस इज योर सी वेव, दिस इज योर, यहां तक समझ आ गया, डिड यू गेट द पॉइंट, नाउ योर वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट द रिलैक्सिंग। यहां तक उनकी मुकम्मल क्या हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्शन। No, they will start the relaxation. जब वो relaxation start करेंगे, तो pressure आपके ventricle में भी decrease होगा, pressure आपके aorta में भी. When it will come at the 80, then your aortic valve will close. Aortic valve will, जब aortic valve close होगा, तो क्या आपके aorta में मजीद pressure कम होगा? नहीं, क्योंकि वो acting as a separate chamber. तो इसका pressure तो रह जाएगा फिर same 80 के ऊपर. Okay? Now, what will happen to the ventricle pressure? So it will keep रिलैक्सिंग, इसका प्रेशर मजीद डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज, और यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ तक, अब यहाँ तक कंट्रोल करना। अब वेंट्रिकल का देख लिया, यहाँ तक एट एओर्टा का देख लिया, नो व्हाट्स हैपनिंग टू द एट्रिया, एट्रिया में मैंने कहा कि जब वो पहले रिलैक्स करेगा तो पहले उसमें ब्लड भरेगा, तो इट विल गिव द एक्सीडेंट, इट विल गिव द, फिर उसमें ब्लड भरता जाएगा, तो बंदे जब वो मुकम्मल उसकी फिलिंग पूरी हो जाएगी, फिर ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा, इट विल गिव द वी वेव, इट विल गिव द वी वेव, यहां तक आ गए। नो वेंट्रिकल थी, अब नो वेंट्रिकल रैपिड फिलिंग, सॉरी रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, कि आपका ये प्रेशर मजीद कम हो जाएगा वेंट्रिकल का, जब वो प्रेशर मजीद कम होगा तो मिट्रल वाल्व विल ओपन। एओर्टा का प्रेशर तो सारा सेम रहेगा ना, वो 80 तक अब कांस्टेंट रह जाएगा। अब मिट्रल वाल्व विल ओपन, जब मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो आपके वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मिट्रल वाल्व ओपन हो गया, तो इधर से जो उधर एट्रिया का जो ब्लड था वो सारा कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में, तो एट्रिया या जुगलर वेनस जो प्रेशर था वो भी क्या हो जाएगा कम, तो दोनों नीचे की तरफ मूव करेंगे यहाँ पर, फिर क्या आएगा, फिर आपकी एट्रियल कंट्रैक्शन आएगी, फिर वही आपका सारा प्रोसेस शुरू से फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपने ये चीजें, अगर आपको कंसेप्ट याद हो ना, तो ग्राफ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि एओर्टिक वाल्व कहाँ क्लोज हो रहा है, एओर्टिक वाल्व कहाँ ओपन हो रहा है, मिट्रल कहाँ, आपको समझ आ जाएगा। जूम पे किसी को समझ ना आया हो या किसी का कोई सवाल हो तो है, समझ आ गया, चले बस इसको वाइंड अप करते हैं। अब एक बार फिर हार्ट को एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ में S1 साउंड कब आती है, और जब आपका ये वाला ये 80 के ऊपर पहुंचेगा, कहां पर 80 के ऊपर, देन योर सॉरी नो 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 नो, जब 5 से ऊपर बढ़ेगा आपका प्रेशर, जब वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, योर मिट्रल वाल्व विल क्लोज एंड सेम ट्राइकस्पिड वाल्व विल क्लोज एंड दे विल प्रोड्यूस द S2 साउंड कब आएगी, जब आपका एओर्टिक वाल्व क्लोज होगा और आपका उधर से पल्मोनरी वाल्व क्लोज होगा, देन इट विल प्रोड्यूस द S2 साउंड। और S3 साउंड कब आएगी, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान, ये देखिए रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग है ना, मिट्रल वाल्व ओपन हुआ और ये रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग है कि जुगलर वेनस पल्स का प्रेशर कम होगा, वो जल्दी से नीचे की तरफ आएगा, और ये सिर्फ यंग हेल्दी पर्सन में होती है और आफ्टर एक्सरसाइज होती है। और S4 साउंड पैथोलॉजिकल साउंड, कि जब आपके जो है ना, अगर मिट्रल वाल्व ओपन है, मिट्रल वाल्व ओपन है, आपके वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी है, तो एट्रिया को जोर लगा के फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ भेजना पड़ रहा है ब्लड को, दैट विल गिव द S4 साउंड। अच्छा, जब आपका एओर्टिक वाल्व ओपन होगा और मिट्रल वाल्व ओपन होगा,
they will produce which sound? No sound. Healthy valve during opening produces no sound. Agar wo opening ke duran bhi sound produce kar raha, it does mean that it has some kind of pathological problem. Okay? बन रहे हैं। अब वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि 80% तो पहले से होता है, बढ़ेगा सिर्फ 20% बढ़ेगा। ठीक है, फिर आपका एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आती है। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन एसोवॉल्यूमेट्रिक है, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। फिर आपका क्या होगी? रैपिड इजेक्शन फेज होगा। आपका जल्दी से क्या करेगा, ये इजेक्ट करेगा, वॉल्यूम कम होगा वेंट्रिकल में ब्लड का। फिर वो स्लो इजेक्शन होगी, फिर थोड़ा थोड़ा कम होगा। फिर उसकी क्या होती है? एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स करेगा लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर होगी रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, उसका फिर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर स्लो पैसिव फिलिंग, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर दोबारा ये वाली फेज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ECG से correlate कर रहा हूँ कि जब वो हार्ट आपका पंप करता है तो ECG कैसे मूव करती है ऊपर cardiac cycle से, ECG से मैं इसको correlate कर रहा हूँ। ये आपकी वो jugular venous pulsation दोबारा नीचे दिखाई हुई है। ठीक है, now move right down. अच्छा, जब आपका एट्रियल प्रेशर बढ़ता है, जब एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? जब उसको ऊपर से इंपल्स मिलेगी इलेक्ट्रिकल। मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे हार्ट बना देता हूँ पूरा। यहाँ पे आपका SA नोड, यहाँ पे आपका AV नोड, कलर चेंज AV नोड, ये बंडल ऑफ हिस, ये परकंजी फाइबर्स, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ओके, ये परकंजी फाइबर्स। अब ऐसे साउंड ने क्या प्रोड्यूस की? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, या डीपोलराइज किया उसने इसको। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी ये बस सुन ले। जब ये आएगी यहां से तो ये क्या करेगी, इसको क्या करेगी? करंट देगी। अब पहले करंट आएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी एट्रिया के पास, या पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? पहले इंपल्स आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इंपल्स आती है, तो जब इंपल्स आती है इट विल गिव द पी वेव ऑन योर ECG लाइक दैट। इट विल गिव द पी वेव, ECG में पी वेव आती है, और प्रेशर जुगलर वेनस पल्स में आपका ए वेव आती है। लेकिन गौर करें, ए वेव बाद में आ रही है, ये देखें पी वेव यहाँ पे आ रही है, पी वेव पहले आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट आएंगे, फिर डिड यू गेट द पॉइंट? उसके बाद ये आपकी एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन हो गई, देन योर वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन इट गिव द QRS कॉम्प्लेक्स, इट गिव द QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स को हम डिटेल में छेड़ेंगे कि QRS तीन क्यों होते हैं और ये क्या होता है। देन इट विल गिव द QRS कॉम्प्लेक्स, और ये QRS कॉम्प्लेक्स ये इससे पहले आ रहा है आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से, पहले आएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बाद में करेंगे और ये पहले आएगा। ठीक है, और फिर आपकी आएगी टी वेव। टी वेव कब आएगी? जब आपकी रीपोलराइजेशन। क्या होगी? कि आपके जो रिलैक्स करेंगे आपके वेंट्रिकल्स, क्या करेंगे? रिलैक्स, देन इट विल गिव द टी वेव, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। ठीक है, बस ये मैंने थोड़ा सा इसको इसी चीज से कोरिलेट किया है कि पहले आपकी क्या आएगी। अब आप मुझे बताते जाएं मैंने कहा कि टी वेव आई कब? आई जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे पहले जो इंपल्स आई, फिर आपका ये QRS आएगा। ठीक है, वेंट्रिकल, फिर आपकी आएगी टी वेव कब आएगी? जब आपकी वेंट्रिकुलर फिलिंग वो रिलैक्सेशन फेज में उसकी रीपोलराइजेशन होगी। सो आई होप सो दैट के कार्डियक साइकिल बहुत ही आसान था, सिंपल सा था ना। इसको हम इंशाल्लाह ताला कल फर्स्ट एड की बुक्स में आपको शॉर्ट बता दूंगा 20 से 25 मिनट में कि MCQs किस तरह किया है। आपने याद क्या रखा? मैंने डीप कंसेप्ट दे दिए, अब याद क्या रखना है वो आपको कल बता दूंगा। ठीक है, ओके। जूम पे किसी को समझ आई हो या किसी को कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है सर, क्लियर है। किसी और को कोई क्वेश्चन हो? जी डॉक्टर जुबैर, किसी और को कोई क्वेश्चन हो जूम पे?
क्लास एंड कर दे। यस चले जी, क्लियर है डॉक्टर अब्दुर रहमान कहते हैं। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, क्लास डिसमिस।